उत्तर प्रदेश के हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए महज कुछ ही दिनों में एक मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बचा लिया है। दरअसल एक 18 महीने के मासूम बच्चे का अपहरण रात को झुग्गी के बाहर सोते समय कर लिया गया था, जिसके बाद बच्चे की मां ने थाने में तहरीर देकर अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार पुलिस से लगाई थी, जिसके बाद गढ़मुक्तेश्वर थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए और अपनी सतर्कता दिखाते हुए मासूम बच्चे को अपहरणकर्ताओं से सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दिनांक 14/8/22 को गढ़मुक्तेश्वर थाना पे सूचना मिली थी कि राखी जो वादनी है, उनके बच्चा 1.5 साल का, 1 साल 8 महीने का जो बच्चा था वो घर से गायब हो गया। उसमें तुरंत FIR दर्ज करके इसमें 3 टीमें गठित की गई थी। आज पुलिस के द्वारा इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो इनसे पूछताछ, 6 अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, उसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि जो 3 लोग हैं इसमें, एक रोहतास है जो कि अमरोहा का रहने वाला है, दूसरा अवधेश वो भी अमरोहा का ही है, और तीसरा इसमें ओमदत्त जो कि एक दूसरे के परिचित भी हैं। इन तीनों के द्वारा इस बच्चे को चोरी किया गया था। उसके बाद 2 जो मीडिएटर थे, रिंकू और विपिन, जो कि जनपद संभल के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से इन्होंने, एक वैभव शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कि काशीपुर थाना कोतवाली, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है, उसको ये बच्चा इन्होंने 2.5 लाख रुपए में बेचा था। तो ये पूरा जो 6 अभियुक्त हैं पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक व्यक्ति और है जिसका नाम लवकुश है, उसकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है, तो उसके लिए भी पुलिस के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और जल्द हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से मासूम अपनी माँ की गोद को दोबारा पाकर खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसकी माँ भी काफी खुश नजर आ रही है। बता दें 14 अगस्त 2022 को राखी अपने परिवार के साथ झुग्गी में सो रही थी, तभी इन अपहरणकर्ताओं ने झुग्गी से मासूम बच्चे को उठाकर ले गए, जिसको उन्होंने उत्तराखंड के काशीपुर रहने वाले वैभव शर्मा को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं जब पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वैभव शर्मा की बहन की 4 बेटियां हैं। बेटा न होने के कारण वैभव शर्मा की बहन को बेटे की चाहत थी। वैभव शर्मा ने अपनी बहन की चाहत को पूरा करने के लिए अपने साले विपिन से इस बारे में बात की, जिसमें विपिन ने रोहतास अवधेश और ओम दत्त से बच्चे का इंतजाम करने के लिए कहा, जिसके बाद इन तीनों अभियुक्तों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर के बजघाट गंगा घाट के पास बनी झोपड़ियों से मासूम राजकुमार को उठाकर ले गए और 2.5 लाख रुपए में वैभव शर्मा को बेच दिया। घटना के बाद गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक गरीब महिला की पुकार को सुनते हुए इसमें 3 टीमें गठित की और बच्चे को सकुशल बरामदगी के लिए लगाया गया, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने उत्तराखंड के काशीपुर उधमनगर से बच्चे को बरामद करने के साथ साथ अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की सकुशल बरामदगी की खबर जैसे ही उसकी माँ को दी गई तो वो खुशी से झूम उठी और अपने मासूम बच्चे को गले लगाकर उसे चूमते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुलिस का धन्यवाद किया। फिर आपने उसके बाद आप पुलिस के पास पहुंचे होंगे? हाँ, पुलिस के पास पहुंचे तो 8 दिन कोई जवाब नहीं मिला। 8 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ शनिवार के दिन, तो अब 3 दिन बाद मेरा बच्चा है, आज मिल गया आपको। आपका बच्चा मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस वालों ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने ढूंढ के दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज कुछ दिनों के अंदर ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।